सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ऑनलाइन जॉब वर्क को या सब्सक्राइब के निशान पर टच करके और उसके बाद घंटे के निशान पर भी टच कर दीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहे और ये बिल्कुल फ्री होता है दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी देने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री आवासीय योजना ग्रामीण की जो नई लिस्ट है वो अब लॉन्च हो गई है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवासीय योजना की नई लिस्ट ग्रामीण के लिए और शहरी दोनों के लिए ही उन्होंने नई लिस्ट को लॉन्च कर दिया गया है। और जो लोग पिछली लिस्ट में अपना नाम देखकर निराश हो चुके थे कि उनका नाम लिस्ट में नहीं आया, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि वो इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से इस नई लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने गूगल ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा और गूगल ब्राउजर को ओपन करने पर आपको यहाँ पर टाइप करना है। देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ, थोड़ा नेट मेरा स्लो चल रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप इस वीडियो के साथ बने रहिए ताकि आप ठीक से समझ पाएं। और आपको यहाँ पर लिखना है IAY.NIC.IN। ठीक है दोस्तों, आपको ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा IAY.NIC.IN, यह आपको यहाँ पर टाइप करना है और उसको आप सर्च कर लीजिए। ठीक है, जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो देखिए पहले नंबर पर ही आपको ये ऑफिशियल जो इनका लिंक है ये आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। आपको ये यहाँ से ओपन कर लेना है। तो जैसे आप इसको यहाँ से आप ओपन करेंगे तो देखिए ये इनकी गवर्नमेंट का जो ये पोर्टल है, सरकारी वेबसाइट का जो पोर्टल है, ये यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब हमें यहाँ पर क्या कहाँ पर क्लिक करना है, देखिए आपको यहाँ दूसरे नंबर का जो ऑप्शन दिख रहा है रिपोर्ट, ये देखिए ये रिपोर्ट का जो ये ऑप्शन है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, अब हम इस पर रिपोर्ट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप पहले नंबर ये आपको दिख रहा है फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट, तो देखिए मैं इसको थोड़ा जूम भी करता हूँ ताकि आप ठीक से देख पाएं। इसी के अंदर ये पहले नंबर का जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ये नंबर एक का, ये हाई लेवल, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ हाई लेवल फिजिकल रिपोर्ट। ठीक है, ये आपको पहले नंबर पर ही क्लिक करना है हाई लेवल फिजिकल रिपोर्ट के ऑप्शन पर। देखिए मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे फिर इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर हमें देखिए पहले क्या होता था, पहले हम सर्च करते थे तो हमें एक पूरी लिस्ट दे दी जाती थी पूरे इंडिया की, लेकिन अब यहाँ पर आप अपने स्टेट के हिसाब से भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और वो कैसे, देखिए ये आपको ये लाइन दिख रही है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आप स्टेट वाइज अपनी लिस्ट देख सकते हैं। मान लीजिए आप जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आप बिहार से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से करते हैं, उत्तर प्रदेश से करते हैं, तो आप वहाँ पर इसका स्टेट का अपना नाम डाल दीजिएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाने के लिए डाल देता हूँ उत्तर प्रदेश का। मैंने यहाँ पर देखे, जैसे आप उत्तर प्रदेश डालेंगे या आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप बिहार डालिए या कुछ भी डालिए जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं। देखिए मैंने यहाँ उत्तर प्रदेश डाला है। अब यहाँ पर एक नीचे एक और ऑप्शन आ गया है, आपने ध्यान दिया, देखिए अब यहाँ पर हमें उत्तर प्रदेश में हम किस जगह की सर्च करना चाहते हैं यहाँ पर हमसे वो पूछा जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर मान लीजिए ऊपर ये आगरा सेलेक्ट कर देता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पर आगरा डाल दिया है, आप देखिए यहाँ आगरा ये आ चुका है। अब नीचे एक और ऑप्शन खुल गया है, देखिए अब यहाँ पर इसमें भी हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा कि आगरा में किस जगह का हम देखना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर ये अकोला जो आपको दिख रहा है मैं यहाँ पर यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप अपना ठीक ठीक यहाँ पर डालते रहिए। देखिए मैंने अकोला डाल दिया है। अब उसके आगे एक और ये लिस्ट खुल चुकी है सर्च करने की। तो जैसे जैसे आप अपना डिस्ट्रिक्ट, फिर अपना ज़िला और अपना गांव या तहसील जो भी आप डालते रहेंगे, देखिए मैं इसको अब यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, उसी तरह से ये आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, मैंने इस पर यहाँ पर ये सेलेक्ट कर दिया है। देखिए अब यहाँ पर फिर उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा, ये देखिए आप उसके बाद यहाँ सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। अब मैंने यहाँ सबमिट पर क्लिक कर दिया है। अब देखिए अब नीचे जो भी मेरी लिस्ट थी जो मैंने अभी सर्च किया अकोला जगह की, अकोला गांव की, तो वो यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है। देखिए कि कितने लोगों को उसमें फ़ायदा मिला है, तो ये अकोला विलेज आप देख सकते हैं, ये विलेज जो है अकोला, 3 लोगों को सिर्फ यहाँ पर फ़ायदा मिला है अभी तक। और ये उनका रजिस्टर्ड जो नंबर है ये वो है उनका फाइल नंबर, रजिस्टर्ड नंबर। उसके बाद जो बेनिफिशरी नेम, मतलब जिस नाम से जिस व्यक्ति को फ़ायदा मिला है उसका नाम है, जैसे 3 लोगों का आपको नाम दिख रहा है, उसके बाद आपको फादर्स नेम और पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी।
तो इसमें आप चेक कर सकते हैं। और देखिए आपको इसमें घर का भी वो पता चल जाएगा कि किस नाम से घर है, जॉइंट है या किसके नाम से, और उसके बाद सेंक्शन नंबर आपका यहाँ पे सारा मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और कितना अमाउंट आपको दिया गया है, कितनी इंस्टॉलमेंट आपको मिली है, और कितनी इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो है टोटल रिलीफ कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको पूरी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। ये नई लिस्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की, तो अगर आप पिछली लिस्ट को देखकर निराश हो चुके थे तो ये नई लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है सरकार की तरफ से। तो आप इस नई लिस्ट में अपना नाम देखिए और अपने दोस्तों अपने परिवार वालों को भी इस लिस्ट के बारे में बताइए। और ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, या आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान पर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए दोस्तों, ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।